चलिए गाड़ी चालू करूं आगे। चलो भाई आ जाओ, अपन कौन से पेज पे थे? अच्छा ठीक है। स्टेशन कौन सा किया है मैंने देखो। लास्ट थर्ड किया था। ठीक है, तो फोर्थ से चालू कर बेटा। ठीक है, सर। चल बेटा लिख ले, इलस्ट्रेशन नंबर फोर, पेज नंबर 6.33, पेज नंबर 6.33, इलस्ट्रेशन फोर। रेडी नकुल भाई? बेटा यस सर। पढ़ो। ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग ₹200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन सेल्स रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल एंड आर पास थ्रू द डे बुक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज ऑन मार्च 24, 2016। 300 सच अकाउंटिंग मशीन्स वर सेंट आउट at an invoice price ₹280 each, out of which only 90 accounting machines are accepted by the customer, ₹250 each, and as to the rest, no report is forthcoming. Show the journal entries in the book of companies for the purpose of preparing final accounts for the year ended 31st March 2016. लास्ट का सेंटेंस वापस पढ़। शो Show the journal entries in the books of the company for the purpose of preparing final accounts for the year ended 31st March 2016. मैं वापस बोल देता हूं, अपने को फाइनल अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब लास्ट दिन के पॉइंट ऑफ व्यू एंट्रीज पास करना है। ये अपन को पूछा है, मतलब अपन ने जो सेंड किया है उसकी एंट्री नहीं आएगी। बेटा नकुल समझ रहा है क्या मैं क्या बोलता हूँ? हाँ सर। ना खाली फाइनल अकाउंट लास्ट दिन को क्या तेरा एडजस्टमेंट करना है उसका तुमको एंट्री शो करना है। ओके नकुल भाई अभी वापस पढ़ लो। E Limited sends out its accounting machine costing ₹200 each to their customer on sales or return basis. Stop. Cost is ₹200. जो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। एक मशीन का कॉस्ट ₹200 है। तो ठीक है सर आगे बढ़ो। चलो ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स एंड आर पास थ्रू द डे बुक। स्टॉप। ये हर क्वेश्चन में आपने देखा है कि उन लोग पूरा ये थियरी ब्रीफिंग करते हैं कि अपन भेजेंगे, सेल ट्रीट करेंगे, सेलिंग प्राइस में एंट्री पास करेंगे, सेल्स बुक में जाएगा, मतलब These are briefing the theory. चल बेटा। Just before the end of the financial year, that is on March 24, 2016, 300 such accounting machine was sent out at an invoice price ₹280 each. 300 sent at invoice price मतलब selling price बेटा जरा देख ले। Invoice price मतलब selling price कितने का selling price लगाया बेटा? 280. 280 each. 280. 300 मशीन भेजा है। इनवॉइस प्राइस 280 है। चल आगे। आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर एट ₹250 ईच। 90 एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। लो भाई 300 भेजा हूं मैंने लेकिन अभी तक एक्सेप्ट सिर्फ 90 हुआ बच्चा आउट ऑफ 300। चल भाई। एंड As to the rest, no report is forthcoming. वापस पढ़ तो 90 accepted के आगे तूने पढ़ना है। 90 accounting machine are accepted by the customer ₹250 each. And at rupees 250 each. मतलब जरा सुन लेना। 250 each बोल रहा हूँ नकुल। हाँ सर।
अपन ने सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस 280 के भाव से उसको बोला था, यस सर, और कस्टमर अपने सेल 250 में 90 मशीन खरीद रहा है, दिख रहा तेरे को? हाँ सर। 280 का 250 मतलब बेटा क्या हुआ, कम में खरीद रहा है ना, तो देयर इज रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय रुपीज, व्हाट अमाउंट बेटा, 30 पर मशीन पर यूनिट चलेगा, तो इसकी भी एंट्री आएगी कि 90 हमने जो बेचा है उसमें 30 रुपया अपना सेलिंग प्राइस घट जाएगा, मतलब 30 रुपये से मेरा सेल्स का अमाउंट घट जाएगा, कपूर बाबा समझ रहे हैं? हाँ सर। 30 रुपये से हमारा सेल का अमाउंट घट जाएगा, 90 मशीन सोल्ड की बात है, जरा देख तो स्क्रीन के ऊपर टोटल कितना सेल किया हूं मैं, 300, तो बाबू जी अनसोल्ड कितना रह गया, 210, तो 210 साहब जी, है ना, और इसको अपने को अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना चाहिए, ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक, नो नीड टू स्पीक, इट विल बी एडेड इन अ क्लोजिंग स्टॉक एट अ कॉस्ट, सुना? यस सर। फाइनल अकाउंट का हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर देख, मैंने स्क्रीन के ऊपर पहला ही शब्द लिखा है फॉर फाइनल अकाउंट्स, चल बेटा। And as to the rest, no report is forthcoming. Show the general entries in the books of the company for the purpose of preparing final account for the year ended 31st March 2016. बाबूजी अपने को final account का खाली बात करना है, उसमें ये reduction का selling price का एक entry आएगा और इसको closing stock में डालना है, तो बच्चा इसका दो entry आएगा, remove from sale and add to closing stock, नकुल भाई total तीन entry बनता है। हाँ सर। कल भी तो ऐसे तीन ही एंट्री था ना, मगर कल के क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस वॉज हायर इंक्रीज, यस, और बाद में का दो एंट्री था, इधर सेलिंग प्राइस रिड्यूस किया और दो एंट्री है, आपको लिखना तो लिख लो, मैं एकदम तैयार हूँ, फटफट जाऊंगा। लिखना है तो लिख लो, जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है, ठाकुर भाई चालू करूं बेटा गाड़ी? हाँ सर। तो बस जर्नल बना लो और क्या, तीन एंट्री देना है खाली, जर्नल बना लीजिए, चल बेटा ईयर एंडिंग क्या है देख दो, 31st March 2016, ले ले, पहली एंट्री कौन सी पास करूंगा, समझ गया क्या? हाँ सर। डिफरेंस जानबूझ के 1AB ऐसा लिखा है, देख लो लाल लाल, चल भाई एंट्री बोल, सेल्स टू कस्टमर 2700, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, चले बाबू जी 90 मशीन की बात है, कितना रुपया कम करने का बेटा, 30 रुपया,
तो अमाउंट कितना आ गया? 2700। देख लो बच्चा, कल हमने इंक्रीज किया था, आज बढ़ा दिया है। वेरिएशन लिखना तो लिख ले, बिंग। Being 90 machines which are accepted by customer at the price rupees 250 per unit. Which was invoiced at rupees 280 per unit. The difference of rupees 30 is adjusted. चल बेटा, अभी मुझे क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड करना है। पहले तो सेल में से निकाल दे। एंट्री बोल सेम सेल्स टू कस्टमर, करेक्ट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बच्चे कितने मशीन की स्टोरी चलेगी? 210 अनसोल्ड, 210। ऊपर देखो हमने किया है वर्किंग, और 210 बेटा, व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस? 280। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आप लोग को एक आदत में डलाता हूँ, है ना, अंडरलाइन करने का। अभी आपके पास वो है नहीं बुक, इसलिए मैं क्या बोलूँ, बाकी छोटा छोटा अंडरलाइन में करा लेता हूँ, ताकि मेरे को वो हाईलाइट होता है कि कौन सा अमाउंट देखना है, कितने यूनिट्स देखना है, क्या डिफरेंस देखना है, क्या डेट देखना है, क्या रेट देखना है। ओके, थोड़ा हाईलाइट होता है तो फटफट फटफट जाता है, नहीं तो वो अंदर घुसना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर, क्या है, किधर है, कितना है। ऐसा 210 मशीन बेटा, क्या होगा? 280 ले बेटा, बोल तो। 58,800 भाई। नरेशन तुम लिखोगे कि लिखवाओगे मुझसे? नकुल भाई लिखे लेंगे सर, लिखो तो। दो मिनट, एक मिनट दिया, कल का भी अपन ने देखा था। लिखो नरेशन, एक मिनट दिया। 19-20 चलेगा, अपनी लैंग्वेज चलेगा, वर्डिंग हियर इधर चलेगा, सब खाली वो मीनिंग निकलना मांगता है कि दिस आर द गुड्स विद द कस्टमर, बस एट द सेलिंग प्राइस, रिमूव फ्रॉम सेल। अगाड़ी पिछाड़ी कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, कोई शब्द इधर उधर उल्टा फुल्टा करो, मगर मीनिंग सेम निकलना मांगता है बेटा, कि सेल को कम किया है, सेल में से रिमूव किया है। चल बेटा, और इसको मुझे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना है। अभी आपको ये सब एंट्री आ गई होगी रे, कुछ अभी नया नहीं है मेरे पास। सेकंड मेथड में भी चालू कर लूंगा थोड़ी मिनटों में। चल बेटा, थर्ड एंट्री बोलने का तो बोल दे। एंट्री तो वही रहता है, अमाउंट खाली बदलेगा। बोले एंट्री नहीं बोलता है। नहीं भाई, बोलो आप।
inventories with customer account debit to trading account. To trading, you are right. 42,000. It is at cost beta. कितना मशीन है देख ले, ऊपर मैंने लिखा है 210 और कॉस्ट पर पहली लाइन में लिखा है 200 रुपया। आप मेरा स्क्रीन देखो, आपको समझ जाएगा कि सर बराबर जरूरी आंकड़े जमा करके रखता है पहले से, क्योंकि एंट्री में कभी ना कभी लगता है रे मेरे को सेंट का नो एंट्री, वो भी ऐसा तब तब का के रखा था एकदम ऊपर, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट के ऊपर मेरे को लिखे गया सीधा, वरना सेंट का एंट्री भी पास करता बेटा। 210 200 रुपया क्या बोला रे? 42,000 नरेशन मारो रे, आधी मिनट दिया, फटफट चल। इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, यहां वहां से कैसा भी लिख ले। चलो नकुल बाबा, यस सर, इलस्ट्रेशन 5 उठाओ बेटा। ए सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट। ऑन 31st मार्च 2016 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट ₹1 lakh व्हिच इंक्लूडेड ₹7,000 गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल अगेंस्ट व्हिच नो intimation was received during the year. These goods were sent out at 25% over and above cost price and were sent to Mr. X ₹4,000 and Mr. Y ₹3,000. Mr. X sent intimation of acceptance on 30th April and Mr. Y returned the goods on 10th April 2016. Make the adjustment entries and show how these items will appear in the balance sheet on 31st March 2016. Also show the entries to be made during April 2016. Value of closing inventories as on 31st March 2016 was ₹60,000. ठीक है, बात तो वही है, थोड़ा इधर उधर करके बातें किया है। नकुल भाई वापस पढ़ो। A sends out goods on approval to few customer and includes the same in the sales account. पहले तो आप हर क्वेश्चन में देखो, वो थियरी पूरी तुम्हारी कहीं ना कहीं ब्रीफ कर डालता है कि अपन क्या करते हैं, कहां लिखते हैं। चल भाई। On 31st March 2016, the trade receivable balance stood at ₹1 lakh. Wait. Year ending is 31st March 16. और इस दिन को तेरा एक आइटम उन्होंने दिया है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर बुक में 1 लाख खड़ा है। मुझे कुछ नहीं करना, दिस इज द बैलेंस शीट आइटम अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, इसका कोई एंट्री नहीं होता, खाली उन लोग ने भी दे दिया, आगे चल। व्हिच इंक्लूडेड ₹7,000 गुड सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट व्हिच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इंक्लूड 7000 फॉर द गुड्स विद कस्टमर, बाबूजी वो रिटर्न बेसिस वाला हिसाब 7000 का इधर है, इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो अच्छी बात है सर, दे दिया है। 7000 कौन है वो नीचे दिया है, अगर जो आपका ध्यान गया नकुल भाई, ये डेटर के अंदर 7000 तो के दो आदमी लोग हैं एक्स और वाई, उसका नाम नीचे दिया है। चल आगे पढ़, हम कनेक्ट करता हूँ फिर। दिस गुड्स वर सेंट आउट एट 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। बाबूजी प्रॉफिट कितना बोला है? 25% over and above on cost price. Cost. बच्चा 1/4 on screen पे देख। हाँ सर। Cost 1/5 on sale. Sale. सुना क्या? करूँगा। ये 7000 है included in data, वो selling price है बेटा। ऊपर देख 7000
रिटर्न बेसिस डेटर के अंदर इंक्लूड है, वो सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल है, करूंगा पूरा कार्यक्रम कैलकुलेशन का, चला गया। एंड वो सेंड टू मिस्टर एक्स ₹4,000 एंड मिस्टर वाई ₹3,000। बेटा जरा इधर देख ले, ये जो 7,000 की स्टोरी चल रही है, ये 7,000 में कौन लोग है, क्योंकि एक्स का 4,000 है और वाई का 3,000 है नकुल। हाँ सर। जो 7,000 की स्टोरी तू मेरे को कर रहा है, वो 7,000 में एक्स और वाई दो मिलके 4 और 3 7 बनता है, दिख रहा है तेरे को बेटा, मैंने जो लिख रहा हूँ सब एक 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 स्टोरी, 7,000 जो डेटर के अंदर है उसमें दो पार्टीज है। चल बेटा, मिस्टर एक्स सेंड इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th April एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th April 2016। रिपीट। मिस्टर एक्स सेंड इंटीमेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑन 30th April एंड मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10th April 2016। बेटा एक्स ने इंफॉर्मेशन दिया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, सावधान, एक्स एक्सेप्ट और उसका डेट मेरे को बोलता है 30th April ऑन 30th April। जरा देखना बच्चा, ईयर 2016 और दूसरी पार्टी का नाम है वाई, वो रिटर्न कर रहा है मतलब रिजेक्ट द गुड्स ऑन 10th April। नकुल भाई मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास बुक नहीं है बेटा, फुल टाइम पास कर रहा हूँ मैं हमेशा। यस सर। क्योंकि मैं जानता हूँ बुक नहीं है तो मैं मोर ऑर लेस क्वेश्चन दो बार पढ़ाता हूँ, आप मेरी स्क्रीन देखेंगे तो आपको लगेगा सर बहुत हमारे लिए लिख के मेहनत करता है, आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आपके पास बुक नहीं है, कि मैंने हमेशा काम किया है, क्योंकि उसके बगैर मजा नहीं आया, आंकड़े नहीं हुए, ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो खाली सोल्यूशन में थोड़ी मजा आता है, डिस्कशन करके मैं सॉल्यूशन लाता हूं। तो एक बात देख लेना, ईयर एंडिंग जो दिसंबर था वो ईयर खत्म हो गया और ये बात चली न्यू ईयर में। बेटा जरा देख ले, मैंने हेडिंग मारा रे, वो लास्ट ईयर की स्टोरी उधर खत्म लेफ्ट हैंड साइड में, न्यू ईयर राइट हैंड साइड में, और उसमें एक्स ने बोला हम गुड्स रख लेता हूँ, वाई ने बोला हम रिटर्न कर रहा हूँ, वो 30 तारीख को एक्सेप्ट कर रहा है, वो 10 तारीख को रिटर्न कर रहा है। बेटा आगे बढ़ो, मेक द एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दिस आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2016। स्टॉप, पहले तो तू ये एडजस्ट कर, अभी जब भी एडजस्ट करने की बात आएगी तो तू समझ सकता है कि एडजस्टमेंट एंट्री यानी तेरे को ये जो गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस वाली बातें हैं उसको तुझे एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, सेल में से रिमूव करने का, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करने का, बेटा ये अपने को करना पड़ता है। हाँ, या वो चेंज इन द सेलिंग प्राइस वाला पॉइंट नहीं है नकुल, इधर देखो ऊपर वाला क्वेश्चन को मैं सामने लाया, पॉइंट नंबर 1 इधर नहीं है, सुना? हाँ सर। कुछ अपने को तो खाली तेरे को एडजस्टमेंट की, यहाँ जो एंट्री पास करनी है वो दो एंट्री पास आएगी, ए और बी वाली, एड टू क्लोजिंग स्टॉक एंड रिमूव फ्रॉम सेल, दिखता है क्या? हाँ सर। तो अभी मैं ये जो प्रीवियस क्वेश्चन का है वही तेरे को दिखा रहा हूँ, ये भी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस का हिसाब अभी इधर नहीं है, दो एंट्री तेरी आएगी एडजस्टमेंट के लिए, ईयर एंडिंग के लिए 31st March 2016 के लिए। रिपीट द लास्ट सेंटेंस, make the adjustment entries and show how this item will appear in the balance sheet on 31st March 2016. ek baar aur padh, make the adjustment entries and show how these items will appear in the balance sheet on 31st March 2016. ye hum pehli baar karenge, show in the balance sheet how this will appear। babuji, show in the balance sheet matlab tere ko balance sheet ka chhota chitra banane ka rough, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पूरा बैलेंस शीट नहीं है, पूरा फाइनल अकाउंट नहीं है, मगर ये आइटम बेटा फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में कहां कैसे अपीयर होगा, बैलेंस शीट में ये आइटम
कैसे अपियर होगा ये तेरे को शो करना है। चल बेटा। Also show the entries to be made during April 2016. Hmm, wait. बाबूजी 2016 अप्रैल की बात करो तो न्यू ईयर हो गया बेटा। देख स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे 30 अप्रैल और 10 अप्रैल तेरा इंतजार करके खड़ा है। ये इसकी भी मुझे एंट्री चाहिए। नकुल। हाँ सर। अंडरलाइन किया देख 30 अप्रैल 10 अप्रैल नेक्स्ट ईयर क्योंकि 31 मार्च खत्म हो गया। ओके। और ये 100 भाई अपना निर्णय ले रहे हैं नेक्स्ट ईयर में न्यू ईयर में अप्रैल में। ओके। दोनों का डेट दे दिया बेटा तो मुझे दोनों का एंट्री पास करना पड़ेगा। याद करना मैंने ये सब एंट्री दिया है नेक्स्ट ईयर में एंट्री क्या आएगा। भाई तुम लोग बेसिक रिवीजन करते हैं कि नहीं। नकुल। हाँ सर। जरा बताना एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ। एंट्री बोल न्यू ईयर में कस्टमर टू सेल्स और वाई रिटर्न कर रहा है एंट्री बोल नो एंट्री। करेक्ट गुड नो एंट्री शाबाश। सब मैंने बेसिक मेरा बेसिक इतना सॉलिड होता है ना बेटा कि तुमको तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा इंटेंशन होता है मगर उसको बराबर रगड़ लेने का बराबर बेटा ढीला नहीं करने का मजा नहीं आएगा। तो दोनों एंट्री जब वो एक्सेप्ट करता है मतलब हमारा सेल हो रहा है तो सेल की फ्रेश एंट्री पास करने का अप्रैल 30 को। क्यों? क्योंकि अपन ने सेल में से इसको रिमूव कर डाला था ईयर एंडिंग के टाइम फाइनल अकाउंट के टाइम क्योंकि ये मेरा सेल नहीं था। इट वॉज रिमूव फ्रॉम सेल एंड नाउ इन द न्यू ईयर ऑन 30 अप्रैल Mr. X accepted the goods means it becomes my actual sale now. So I must pass fresh entry for sales trim. बात नंबर दो, Y का return. क्योंकि return का entry तो हमने तभी हमारे closing stock में ले लिया था pass करके. तो goods जब return होगा, तभी मेरे को अभी कोई entry pass करने की जरूरत नहीं क्योंकि entry में year ending के time pass कर बैठा हूँ बेटा. Is it clear? Return का no entry. Good. चलो. Value of the closing inventory as on 31st March 2016 was rupees 60,000. एक और मसाला दिया है closing inventory का. मैं यहाँ डाल देता हूँ देख ले. Closing stock. कितना दिया बेटा closing stock? 60,000. 60,000 मतलब ये बैलेंस शीट का आइटम है क्योंकि इन लोग में बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करने को तेरे को बोला है ना तो ये 60,000 का भी एसेट साइड में जरा ऐसा चिटका देने का बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आस्क्ड द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस। एक्सट्रैक्ट मतलब बैलेंस शीट का फोटो निकाल के दीजिए पूरा नहीं जितना यहाँ रिलेवेंट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। तेरे को एंट्री देना है और बैलेंस शीट देना है। दो एंट्री आएगी ईयर एंडिंग की। चलो भाई ये चित्र बनाने का तो बना ले बाकी मेरे को कुछ ज्यादा दिखता नहीं है फिर भी लिखने की इच्छा तो लिखने फटाफट। एक मिनट दिया नकुल। क्वेश्चन का मेन हाईलाइट सामने स्क्रीन पे है इच्छा है तो लिख ले नहीं तो मुझे तो सॉल्यूशन तो देना ही है।
अंकुल भाई घुमा दो इसको। हाँ सर चालू करो। चलो फिर बाबूजी जर्नल बना लीजिए। March 16 बेटा एडजस्टमेंट एंट्रीज लास्ट का एंट्री बनाने का फाइनल अकाउंट बनाने दो एंट्री आएगी दैट्स इट। चल बेटा बोल। सेल्स टू कस्टमर। करेक्ट गुड। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर रुपया बोल। 7000 ठीक है एक्स एंड वाई दोनों इंक्लूड हो गए बेटा। 31 March 16 एड टू क्लोजिंग स्टॉक बेटा एंट्री बोल। इन्वेंटरीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इन्वेंटरीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट बेटा सावधान वर्किंग करना पड़ेगा मेरे को टू फाइंड आउट द कॉस्ट। बेटा सुना क्या? हाँ सर। चल आ जा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 7000 माइनस प्रॉफिट कितना है बेटा? 1400 है ना। 1/4 ton कॉस्ट है देख रहे प्रीवियस स्क्रीन लाया तेरे सामने लास्ट पार्ट। 1/5 ton सेल दिख रहा है सबको? हाँ सर। चल 1/5 माइनस कर बेटा। 5600 प्रॉफिट कितना है बेटा? 1400 तो कॉस्ट कितना है बेटा? 5600 ये देख लो कार्यक्रम क्योंकि एंट्री में अमाउंट मुझे कॉस्ट चाहिए ये आ गया 5600 बेटा। बेटा ये 31 March 16 खत्म हो गया और यहां से तेरा न्यू ईयर चालू हो गया 2016-17 देखिए रहा न्यू ईयर में कौन सी एंट्री आना है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट वाली एंट्री आएगा बेटा इसका नो एंट्री। जरा समझ लेना इशारा। एक्स का एंट्री आएगा एक्स बोले तो 4000 है बेटा सेलिंग प्राइस। क्या भाई तू ये आलस करके क्यों बैठा है? सर पता नहीं आलस आ रहा है। चलो चलो भाई एंट्री पास करो। कौन सा तारीख को एंट्री पास करो बेटा? 30 अप्रैल। शाबाश एंट्री बोल। कस्टमर टू सेल्स 4000 कस्टमर अकाउंट डेबिट यू कैन राइट इनटू ब्रैकेट मिस्टर एक्सिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सुना क्या? हाँ सर। 4000 डायरेक्शन लिख लें बिंग। गुड्स विच वॉज सेंट इन द प्रीवियस ईयर गुड्स विच वॉज सेंट टू एक्स इन द प्रीवियस ईयर ऑन रिटर्न बेसिस which was removed from sale in the last year
Accepted by X is accepted by X. For which entry is recorded, for which entry is recorded. Accepted वो main चीज है, reference देना पड़ता है last year का. चलो बेटा तो ये entry का मौसम समाप्त हो गया. Last year का दो entry, इस साल का एक entry, new year का. अभी उन्होंने एक चीज और मांगा है, और वो मांगा है आपको प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. नकुल भाई, यस सर. तो बैलेंस शीट का मैं मुखड़ा बना रहा हूं आपके सामने, देख लो. एज ऑन 31 मार्च 2016, लायबिलिटी का जगह एकदम छोटा रखना चलता है क्योंकि जरूरत नहीं है, अपने को एसेट से ही काम है. तो एसेट साइड में जरा कार्यक्रम बता दो, दो कॉलम बना दो, रुपीस रुपीस. नकुल भाई, यस सर. ये मैंने प्रीवियस स्क्रीन तुम्हारे सामने लाया, डेटर को पकड़ा देखो, क्लोजिंग स्टॉक को उठाया देखो, और उसको बैलेंस शीट में एसेट में बिठा दो. प्लीज सी सन्ड्री डेटर्स, इन अदर वर्ड्स ट्रेड रिसीवेबल. यू कैन से कितना रुपया था डेटर्स का बेटा? 1 लाख इनर कॉलम, और उसमें से लेस का डालेंगे गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस. बेटा गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस एक्स का 4,000 एंड वाई का 3. 7,000 माइनस करके डेटर को बाहर ले ले, 93,000. प्लीज सी माय प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट. डेटर बेटा क्लोजिंग स्टॉक भी तेरे को दिया है 60,000. Add goods with customer, inventory with customer, you can say. Beta, kitna rupaye dekho? 5,600. Shabash. At cost, dhyan rakhna, 5,600. Beta, you are right. Kitna aayega beta? 65,000. 600. बैलेंस शीट का ये चेहरा देखिए, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट. अब एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें से कुछ लिया, दाल के तपेले में से एक चम्मच दाल निकालते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उतना निकाला खाली. ठीक है बेटा, तो यहाँ फर्स्ट मेथड कंप्लीटेड. नकुल भाई कुछ पूछना है बेटा? इसको छोड़ू,
मैंने ये पहली बार बनाया। हाँ सर। चलो बेटा मैं सेकंड मेथड की बात चालू करता हूँ। सेकंड मेथड में मैंने बोला था इफ यू रिमेम्बर व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर, बोलो भाई, फ्रीक्वेंट, नॉट वेरी लार्ज, मतलब ठीक ठीक है, फ्रीक्वेंट, मॉडरेट, समझा क्या, साधारण। पहले में फ्यू था, कैजुअल था, या साधारण है तो के मॉडरेटली है, नॉट वेरी लार्ज, फिर भी घड़ी घड़ी होता है भाई, फ्रीक्वेंट है। जरा सुनना बाबूजी, इस प्रकार के माहौल में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट वेरी लार्ज, दैट इज फ्रीक्वेंट, यू कैन से मॉडरेट, बाबूजी इस प्रकार के माहौल में, जरा अभी सुनते जाना मैं क्या चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड में क्या था, मैं खाली और नहीं बोलूंगा, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड की बातें सामने स्क्रीन पे लिखूंगा ताकि अपने को भी फोकस सेकंड मेथड पे आ जाएगा। फर्स्ट मेथड में क्या था, जैसे ही गुड्स अपन भेजते हैं, अपन एंट्री पास करते हैं एज इट इज एक्चुअल सेल। लेकिन अभी सेकंड मेथड में बाबूजी हम लोग एक नया बुक ही मेंटेन करते हैं, न्यू बुक इज मेंटेन्ड, बाबूजी मतलब जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सब बुक होते हैं ना, कैश बुक, ऐसे अपन एक नया बुक ओपन करेंगे। Of course, it is memorandum, मतलब ये रफ रिकॉर्ड रहेगा बेटा, कच्चा रिकॉर्ड। क्यों कच्चा रिकॉर्ड, क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन खुद ही कच्चा है, गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, तो ये ट्रांजेक्शन का फाइनल है, ये ट्रांजेक्शन खुद कच्चा है। तो एक काम करो, कच्चा रिकॉर्ड चालू करो, एक मेमोरेंडम रफ रिकॉर्ड, एक नया बुक अपन चालू कर रहे हैं। बाबूजी हम लोग एक इसका स्पेशल बुक बनाएंगे जिसका नाम ही होता है सेल और रिटर्न डे बुक। डे लिखो मत लिखो चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल ऑन रिटर्न डे बुक यानी अप्रूवल बेसिस बुक, एक नया बुक हम यहां मेंटेन करेंगे, सेल और बोलो ऑन बोलो एक ही बात है, इट इज न्यू बुक। अभी इसमें जरा देख लेना बेटा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ये एक स्पेशल बुक है, ये एक स्पेशल बुक है। हम लोग इस बुक में तीनों चीज लिखेंगे, मतलब गुड्स भेजा कब, गुड्स रिटर्न कब आया, और गुड्स उसने एक्सेप्ट कब किया, हम तीनों चीज ये बुक में लिखेंगे, सेल ऑन रिटर्न डे बुक। यू मे से इट इज जर्नल,
सेल ऑन रिटर्न डे बुक इट इज जर्नल। बाबूजी इसमें हम तीनों रिकॉर्ड लिखना पसंद करेंगे, व्हेन गुड्स सेंट, व्हेन गुड्स रिटर्न्ड एंड व्हेन गुड्स एक्सेप्टेड। मतलब और लास्ट में अगर जो कुछ भी नहीं हुआ तो आप समझ सकते हो उतना बैलेंस वो कस्टमर के पास पड़ा होगा। हम कौन सी तारीख को उसको गुड्स भेज रहे हैं, हम कौन सी तारीख को उसको गुड्स भेज रहे हैं उसका डिटेल लिखा जाएगा, उसका पर्टिकुलर हम लोग उसका नाम यानी नेम ऑफ द कस्टमर लिखेंगे, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, गुड्स एक्सेप्टेड। बाबूजी जरा देखना हम कब गुड्स उसको भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स सेंट फर्स्ट पार्ट। गुड्स रिटर्न वो कब कर रहा है सेकंड पार्ट, और हो सकता है कि उसने गुड्स अप्रूव कर लिया, गुड्स अप्रूव्ड इट इज द थर्ड पार्ट। बाबूजी कौन से दिन को मैंने उसको गुड्स भेजा है, पर्टिकुलर का मतलब होता है नाम। जब भी हम भेजेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसका फोलियो या तो वाउचर ऐसा नंबर जो भी रखेंगे, कितने रुपए का गुड्स उसको भेजा है बेटा। फिर वो कभी रिटर्न कर रहा है, वो जब भी रिटर्न कर रहा है बाबूजी तो कुछ उसका डिटेल वगैरह होवे तो, रिमार्क वगैरह होवे तो हम लिखेंगे और उसका रुपया। हो सकता है उसने रख लिया, कौन सी तारीख को उसने रख लिया, कुछ उसका पोलियो रिमार्क और कितने रुपए का उसने गुड्स रखा। मैं जरा लिख के बताता हूं, एकदम शांति से सुनते जाना। नकुल भाई जरा भी हमको शांति से सुनना। 1 जनवरी को मिस्टर ए को जो भी उसका कच्चा पक्का हम लोग इनवॉइस बनाते हैं, आपको बता दूं जनरली एक कच्चा इनवॉइस एक अलग कलर में बनाया जाता है और पक्का इनवॉइस दूसरे कलर में बनाया जाता है। ये भी एक सिस्टम है ताकि जैसे ही गुड्स किसको भेज रहे हैं वो कलर देख के मालूम पड़ जाए कि उसको अपन ये पक्का ट्रांजेक्शन है कि कच्चा। लिखने का बाद में टाइम देता हूं, डोंट बी वरी, जरा मेरे को समझ लीजिए। तो हम हो सकता है 2 कलर के कच्चा पक्का इनवॉइस रखे क्योंकि तो अभी ऐसे ही भेज रहे हैं, तो 1 कलर और जब वो एक्सेप्ट कर ले तो उसको पक्का इनवॉइस भेजेंगे। मिस्टर ए को जो भी चलन बोलो इनवॉइस बोलो भेज दिया, उसका डिटेल लिखना है तो लिखो, मान लो 10,000 का गुड्स भेजा बच्चा। फिर उसने 7 तारीख को जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है तो ठीक है वरना रिटर्न कर डाला बेटा, यानी अभी इसका कुछ नहीं बचा, यू प्लीज सी। 2 तारीख को मिस्टर बी को मैंने 15,000 का गुड्स दिया बेटा, जो उसने 5 तारीख को बोला कि मैं रख रहा हूं और उसने पूरा का पूरा 15,000 का गुड्स रख लिया। कुछ भी मैं मनगढ़ंत लिख रहा हूं यार,
कोई लेना देना नहीं है, मगर तेरे को समझने में मजा आ जाएगा कि ये कॉलम सब क्या है। भेजेंगे तब एंट्री, रिटर्न हो गया तब एंट्री, 6 तारीख को मिस्टर सी को गुड्स भेजा बच्चा 20,000 का, उसने 10 तारीख को 8,000 का गुड्स रिटर्न किया और वही 10 तारीख को 12,000 का गुड्स उसने एक्सेप्ट किया। नकुल भाई जरा देखो नाटक मेरा। यस सर। सी का क्या बोला पढ़ दो यार। मिस्टर सी को गुड्स सेंड किया 20,000 का, 10 तारीख को उसने 8,000 का रिटर्न किया और वही 10 तारीख को उसने 12,000 का एक्सेप्ट कर लिया, बैलेंस नहीं। अब देखो ना पूरा भेजेंगे कब, वो रिटर्न कब करता है, वो अप्रूव कब कर, तो के सब लिखो। और देखो ए में पूरा रिटर्न था, बी में पूरा एक्सेप्टेड था, सी में मैंने जानबूझ के नाटक किया, थोड़ा रिटर्न थोड़ा एक्सेप्ट। चलिए 12 तारीख को डी को गुड्स भेजा था 30,000 का, उसने 10,000 का रख लिया, बाकी का अभी तक आंसर नहीं आया। 20 तारीख को ई को भेजा था 40,000 का, उसने 25 तारीख को 10,000 का रिटर्न किया, बाकी का आंसर नहीं आया। नकुल भाई बस महीना खत्म करता हूं यार, बहुत हो गया। अब देख लो टोटल गुड्स कितना भेजा नकुल, टोटल मार। एक लाख पंद्रह हजार का सेंड किया, रिटर्न हुआ 28 का और 1,15। बेटा यू आर राइट, रिटर्न कितना हुआ अभी तक जरा देखो तो बेटा 28 रिटर्न, 37 का अप्रूव। कितना हुआ बेटा जरा देख लो 37। आप खुद अभी समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 1,15 में से इतना रिटर्न हो गया, इतना एक्सेप्ट हो गया, तो तू समझ गया होगा। बाबू कितना गुड्स अपना उधर बैलेंस में पड़ा है जरा देख तो, अभी मैं तेरे को बोलता हूँ। देख ए बी सी का तो कोई बैलेंस नहीं, मगर डी का बैलेंस देख तो, 30 में से बेटा उसने 10 का रख लिया तो कितने का बैलेंस पड़ा है, 20। जरा देखते जाओ भाई। ई का 40 में से 10 का रख लिया उसने बेटा 30, जरा टोटल बोल लो बेटा 50। अभी जरा इधर देख, 1,15 का सेंड किया, 28 का रिटर्न हुआ, 37 का अप्रूव हुआ, 1 - 2 - 3 50 इज इक्वल टू 4। बेटा जरा चेक कर दो। हाँ सर करेक्ट कर लिया है ना, वो तो समझने की बात है, होने ही वाला है। दिस इज व्हाट वी डू। इसका कुछ लोग अकाउंट भी ओपन करते हैं, एक अकाउंट ओपन करना चाहे तो सेल और रिटर्न अकाउंट ऐसा करके रफ में अकाउंट उन लोग शो करते हैं। कुछ लोग ये बैलेंस की कॉलम नहीं बनाते और उन लोग क्या करते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस का ऐसे ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जरा देखना नाटक पूरे महीने का। बाबूजी एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी मैंने टोटल गुड्स जो भी साल है 16, ठीक है, गुड्स भेजा है, बाई सन्ड्रीज करके लिखते हैं, सन्ड्रीज मतलब सबको मिला के
इतना भेजा है सेंट, कितना भेजा है बेटा 1/15, 31 जनवरी 16, 2 सनरीज, कितना लोगों ने रिटर्न कर दिया बेटा बोल, 28, ओके 28, 31 जनवरी 2 सनरीज, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है बोल, अप्रूव किया है बोल, 37, 37, तो इसको अपन टोटल मारेंगे, नकुल भाई दिखता है, हाँ सर, 31 जनवरी को टू बैलेंस के रिटर्न बेटा कितना है बोलो, 50, ये रहा 50, ये अकाउंट बनाने का कोई ज्यादा कारण नहीं बनता है क्योंकि ऊपर भी 50 दिखता ही था, लेकिन फिर भी ये रफ है, ये टोटली रफ है बेटा। अब कोई पूछेगा सर ये तो रफ है, फाड़ के फेंक दिया आपने, मान लो इट हैज नो कनेक्शन विद द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये टोटली रफ है, बोलो ना उसका इनवॉइस का कलर भी अपन अलग बनाते कच्चा, हाँ उसका सिग्नेचर लेंगे, एक कॉपी उसको देंगे दूसरे पे सिग्नेचर लेंगे, क्योंकि अपन ने ट्रांजेक्शन तो सच्चा किया है ना, भले ये ट्रांजेक्शन कच्चा है बट ट्रांजेक्शन डज एग्जिस्ट, दो द ट्रांजेक्शन इज नॉट फाइनलाइज्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस दो द ट्रांजेक्शन इज नॉट फाइनलाइज्ड, सो आई मस्ट हैव प्रॉपर रिकॉर्ड्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन दो इट इज नॉट फाइनलाइज्ड बाय द कस्टमर, means I am keeping the proper record, though it is kacha record, it is called memorandum. एक मिनट, तो goods जब भेजा कच्चा record वगैरह, folio number, voucher number, चलन number जो भी डालना डालते रहो, return करेगा तभी भी उसका कुछ अपन को record generate करना है कर लेने का, accept करता है तो इधर अपन एक काम करने का, एक बात खास बोलना ही है पहले before I talk that. If goods are accepted by customer, Nakul, तो पक्का invoice is prepared. मैंने जानबूझ के हिंदी वर्ड यूज किया है, पक्का invoice means you will make fresh इनवॉइस, दैट इज कॉल्ड पक्का इनवॉइस. ये पक्का इनवॉइस का मतलब क्या है बाबूजी, फॉर सेल, ये एक्सेप्ट हो गया मतलब फॉर सेल है ना बाबूजी, इसको बोला जाता है आउटवर्ड इनवॉइस, और इसकी एंट्री पास होगी, एंट्री विल बी मेड इन सेल्स बुक and posting in the party's account, debit side. Nakul jana dekh le, koi puchega sir aap kacha kacha kar rahe ho, theek hai aapka baat bhi acha laga, aapka presentation bhi theek dikhta hai, lekin jab wo goods accept kar lega to to apan uske naam ka pakka bill phada na bachcha, dekh na pakka shabd dala hu hindi wala. The real actual invoice is prepared. Previous invoice was kacha invoice. It was memorandum. It is rough. Now you make new bill, fresh bill on his name. It is outward invoice. Entry will be passed in the sales book for sale. And the second effect in the ledger, posting will be made in the party's account. Party becomes debtor now. Pahle tak party debtor nahi tha. क्यों? कच्चा था, जैसे एक्सेप्ट कर लिया उसके नाम का पक्का बिल बन गया, उसको बिल भेज दिया, गुड्स तो पहले ही भेजा हुआ है, गुड्स का भेजने का नहीं अभी, और उसका एंट्री पास हो गया सेल्स बुक में, पार्टी का अकाउंट लेजर में डेबिट कर डाला, ही बिकम्स अवर डेटर, पार्टी बिकम्स अवर डेटर, एनी डाउट नकुल? नो सर, पार्टी बिकम्स अवर डेटर बाबू जी.
यहां लिख लेता हूं, पार्टी बिकम्स अवर डेटर, कल तक वो डेटर नहीं था बच्चा, मैंने इंटरव्यू उसके नाम का पास नहीं किया, अभी वो पक्का मेरा डेटर है, आई हैव राइट टू रिसीव एंड रिकवर मनी फ्रॉम हिम, मैंने उसके नाम का पक्का बिल फाड़ा, वो मेरा डेटर बन गया, नाउ आई हैव राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम हिम, रिव कल तक राइट नहीं था मुझे, क्योंकि वो तो रिटर्न कर सकता है। तो ये एक स्टोरी थी, गुड्स आर एक्सेप्टेड। बाबू जी मान लो गुड्स वो रिटर्न करता है तो कुछ नहीं, बस गुड्स रिटर्न करता तो ले लो, उसका जो रेफरेंस डालना है फोलियो में लियो में डालना है तो डाल लो, कुछ नहीं, खत्म स्टोरी। रिटर्न कर दिया, एंट्री पास कर, स्टोरी खत्म, आगे कुछ नहीं। और उसके पास पड़ा है, जैसे 50,000 का गुड्स पड़ा है, नकुल देख ले अभी, उसका क्या करने का बाबू, उसका क्या करने का, वही चीज, दो एंट्रीज, फाइनल अकाउंट में अपन एडजस्टमेंट करते हैं ना, दो एंट्री, रिमूव फ्रॉम सेल और एड इन क्लोजिंग स्टॉक, यहां दो एंट्री नहीं आएगा अभी, रिमूव फ्रॉम क्लोजिंग, रिमूव फ्रॉम सेल वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सेल में एड ही नहीं किया था, बैलेंस गुड्स विद कस्टमर, अपन दो एंट्री पास करते थे ना पहले, रिमूव फ्रॉम सेल एंड एड टू क्लोजिंग स्टॉक, अभी यहां दो एंट्री नहीं आएगा, वो रिमूव फ्रॉम सेल नहीं बोल रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि सेल में इंक्लूड ही नहीं किया, तो खाली जो बैलेंस गुड्स है उसका क्या करने का, क्योंकि बैलेंस गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। बच्चा नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा मुझे, बैलेंस गुड्स विथ कस्टमर, will be added in closing stock, जरा सुन लेना भाई, at cost, उसका entry तो तेरे को मालूम ही है, फिर भी दे दे दे, inventory with customer account debit, inventory with customer account debit to trading, बेटा देख ले मैंने क्या लिखा है, दो एंट्री नहीं आता है, दो एंट्री तभी क्यों पास किया, तो कि रिमूव फ्रॉम सेल, रिमूव फ्रॉम सेल इसलिए क्योंकि आई वाज कंसीडरिंग दैट पॉइंट एज सेल, इट वाज कंसीडर्ड एज सेल, देयरफॉर रिमूव फ्रॉम सेल, एंड सेकंड एंट्री ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक, उसका एंट्री आएगा ऑफ कोर्स एट कॉस्ट, मैंने अंडरलाइन मार के दिया है, दिस इज द सेकंड मेथड। नकुल भाई जरा कुछ पूछना है तो पहले बेटा पूछो, फिर अपन लिखवाने का आपको काम करते हैं, पहले डाउट, यहां मेरा 100% सेकंड मेथड समाप्त, ये मेमोरेंडम बुक तेरे सामने है। ऐसा बुक क्यों रखा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर मॉडरेट। नकुल भाई पूछो ना बेटा। नो सर। एपी बच्चा पूछो। नयन भाई। नो सर। नकुल भाई लिखने का काम चालू करो। हाँ सर।
नकुल भाई ऊपर करो क्या ये स्क्रीन? हाँ सर कर कीजिए। ये अकाउंट बनाने का मेरे हिसाब से जरूरी नहीं था, लेकिन ये बुक वाले ने बनाया है छोटा मोटा करके, तो ठीक है यार। ओके आई एम नॉट फेवरिंग, इसकी क्या जरूरत है? आई कैन सी 50,000 डायरेक्ट इन द बैलेंस कॉलम। हाँ एंट्री आएगा और दो नहीं एक एंट्री आएगा अभी, या इसको सेल में डाला ही नहीं है तो रिमूव फ्रॉम सेल वाला एडजस्टमेंट वाला एंट्री नहीं आएगा। फॉर एडजस्टमेंट यू टू पास ओनली सिंगल एंट्री एड टू क्लोजिंग स्टॉक। ये पक्का इनवॉइस वगैरह शब्द डालना, डिफरेंट कलर इनवॉइस वगैरह भी लिख सकता है, ये सब बुक में ऐसा सब नहीं देता है क्या? हम बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं तो सुन के भी आपको लगेगा कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। कच्चा इनवॉइस एक कलर का होना चाहिए, पक्का इनवॉइस दूसरे कलर का होना चाहिए। जनरली सफेद कलर में रखा जाता है कच्चा, और पक्का वो पिंक डार्क या तो स्काई ब्लू कलर का रखा जाता है। बाकी क्या वो टेबल पे कौन सा बिल पड़ा है ना, ऐसे ही मालूम पड़ जाता है, भले कुछ अपने को पढ़ना नहीं है फिर भी। ये कुछ नहीं छापता है रही है, मेरे को तो कभी कभी मजा भी नहीं आता है। बच्चे लोग को प्रोफेशनल बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, चला तो उसको पक्का नॉलेज तो दो कम से कम। खाली बस पास हो गया कोई मतलब नहीं है। मेरे बात सुन के जो मजा आवे नहीं बुक में, आप पढ़ेंगे तो नकुल भाई आपको भी पढ़ते क्या बुक? हाँ सर ट्राई किया था मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ने का। मेरा लेक्चर सुने और ये बुक को पढ़ो तो आपको लगेगा साला क्या बुक में सर इसमें इतना सब कुछ दिया है, वो पढ़ू कि नहीं पढ़ू, मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है पढ़ने का भाई मेरा लेक्चर, मगर प्रैक्टिकल में तो ये सब मेरा लेक्चर ही काम आएगा। और थियरी में क्या बेटा, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ना, देयर इज नो चॉइस, तो वो पढ़ते रहने का, उसके अंडरलाइन करने का। घुमाओगे इसको भाई? हाँ सर। लो आ जाओ, बैलेंस गुड्स विद द कस्टमर लिखो। नकुल भाई ओवर। यस सर।
बाबू जी अभी इसमें कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं है इलस्ट्रेशन में, मैं यही पेज घुमा रहा था कि कोई क्वेश्चन दिया हो, तो इन्होंने एक भी क्वेश्चन दिया नहीं है, यहाँ तक कि तीसरी मेथड का भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगा और फिर एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व कर लेंगे जो भी होगा, लेकिन इलस्ट्रेशन में नहीं दिया है। नकुल भाई आप पेज घुमा रहे क्या? हाँ सर देख लिया, खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन का एक भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं दिया है, बस थ्योरी देके छोड़ दिया। तीसरा मेथड का भी उन लोगों ने ऐसा ही किया है, थ्योरी वो भी छोटे में दिया है, गलत दिया है, वो भी मैं पढ़ रहा था। ठीक है, अभी मैं तो मेरे तरह से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या एक सामने जब देखो तो आपको लगना चाहिए कि नहीं ये ठीक है। अभी एक्सरसाइज में ही जाना पड़ेगा नकुल भाई, मैं कुछ अभी काम नहीं ले रहा हूं। तीसरा मेथड भी मुझे चालू करना है, आधा घंटा पौना घंटा जा सकता है, क्योंकि बेसिक देना है, बुक दिखाऊंगा, उसका ऐसा एग्जांपल लूंगा, तो टाइम तो जाएगा। और फिर एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो भी अपन सॉल्व कर लेंगे, ताकि ये टॉपिक मोर और लेस कल खत्म हो जाना चाहिए। एंडिंग द मीटिंग हियर, थैंक यू।